50 प्रकार की दवाइयां बीमारी लगा ली, बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं क्या क्या है। अमीर या गरीब? गरीब, बहुत गरीब। आपकी इनकम 1,00,000 रोज है, लेकिन इनकम बढ़ते क्रम में नहीं है, बुढ़ापे की चिंता है। अमीर या गरीब? आपकी इनकम 1,00,000 रोज है, अच्छी पर्सनैलिटी नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छा टैलेंट नहीं है, रिश्ते निभाने की कला नहीं है। अमीर या गरीब? अमीर वो होता है जिसके पास अच्छा शरीर, अच्छे संस्कार, कड़ी मेहनत, बढ़ते कर्म में इनकम, अच्छा टैलेंट, वो होता है अमीर। ऐसे अमीर कितने लोग बनना चाहते हो? सारे लोग पक्का? ये बत्तू पूरा करना पक्का ना? यस। ओके, सवाल अगला, इसी में थोड़ा क्लियर करूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने दम पे अमीर बनना, अपने दम पे? ए बहन, अपने दम पे, पति के दम पे नहीं, ए बच्चे बापू के दम पे नहीं, मां के दम पे नहीं, सरकार के दम पे नहीं, ए भैया अपलाइन के दम पे नहीं, अपने दम पे कितने लोग अमीर बनना चाहते हो? अपने दम पे। क्या बात है, मजा आ गया। यानी यहां पे 400 वो लोग बैठे जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, सही है? ए बहन, अपने दम पे पक्का? ओके, सवाल दूसरा, यानी यहां पे 400 वो लोग बैठे जो अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, सही है? अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, अगर हम अपने दम पे अमीर बनना चाहते हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? कितने लोगों को पता है मेहनत करनी पड़ेगी? पक्का? सच्ची? सच्ची पता है? सच्ची पता है? तो फिर मीटिंग खत्म हो गई। सोच के देखो ना, यानी यहां पे वो लोग बैठे हैं, आपकी सीट पे वो इंसान बैठा है जिसको पता है कि तुझे अमीर बनना है, और तुझे ये भी पता है कि अमीर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा सवाल तीसरा, फिर मेहनत करते क्यों नहीं? कैसे करना मालूम भी नहीं, करते क्यों नहीं? वो तो बाद की बात है, करते क्यों नहीं हो? अगर मैं कड़वा बोलू ना और आप बुरा नहीं मानो, 400 लोग बैठे हो, 400 में से 200 लोग निकम्मे हैं, माफी चाहूंगा, कामचोर है, बहानेबाज है, ड्रामेबाज है, आरसी है, कर्महीन है। इधर किसी से पूछो अमीर बनना चाहते हो, सब लोग बोलेंगे हाँ। अगला सवाल पूछो, मेहनत करना चाहते हो, पॉकेट में अमीर बनना चाहते हो? साहब, कामिनी खैरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती, दान नहीं जाती, खरीदी नहीं जाती, कामयाबी दर्द के कोख सिर्फ कठिनाइयों से मिलती है, संघर्ष से मिलती है। मेहनत करते क्यों नहीं हो? मैंने क्या बताया पता है? हेलो, मैं फालतू का श्रम संकोच नहीं करता हूं। कपड़े नहीं थे आरसीएम में, साला घरवाली के बाल काट दिए थे, राजस्थान का आदमी, सोच के देखो ना कितना विरोध सहन करना पड़ा हो। पिछले 21 सालों से सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, हर रोज ट्रेन बस फ्लाइट में चलता हूं, कई बार दो दो दिन तक टॉयलेट जाने को नहीं मिलता है, कई बार खाना नहीं मिलता है, साला फिर भी चलता हूं, सामने वाले को हंस के दिखाता हूं, इसलिए 10,00,000 कमाता हूं, मेहनत करता हूं, तुम क्यों नहीं करते? हेलो, मैंने गीता में पढ़ा है, हर धर्म में लिखा होता है, गीता में पढ़ा है, सुना है कि कर्म ही पूजा होता है। कितने लोगों ने सुना है? मंदिर में घंटी बजाना पूजा नहीं है, लोट लोट के मंदिर जाना पूजा नहीं है, भूखा रहना पूजा नहीं है, भौंकू लगा लगा के लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब करना पूजा नहीं है, कर्म ही पूजा है। सबने सुना है? तो बताइए, कर्म ज्यादा करना चाहिए कम करना चाहिए? और जो कर्म नहीं करे उसको क्या बोलते हो? निकम्मा, कामचोर, बहानेबाज, आरसी, ड्रामेबाज। तो बताइए, कर्म ज्यादा करना चाहिए कम करना चाहिए? मैंने सुना है एक दिन में परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने, भगवान ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है, सही है गलत है? आपको कम ज्यादा दिया है? बराबर दिया है, परमात्मा ने ना इंसाफी तो नहीं करी ना? 24 घंटे का टाइम दिया है, ज्यादा से ज्यादा इस उम्र में, इस भरी जवानी में, ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे की मान लो नींद, इससे ज्यादा सोते हो तो कुंभकर्ण के समाज से आते हो। 6 घंटे की नींद पूरी है ना? दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना, टाटा बाटा, रिलायंस, भांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान, आप इनको ध्यान से देखिए, ये 6 घंटे से कम सोते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव थे, एक दिन न्यूज में आ रहा था कि मोदी साहब
पिछले 1.5 महीने में 2 घंटे रोज सोए हैं। मुकेश अंबानी पूरी जिंदगी 4.5 घंटे रोज सोता है, पर चलो जी अपने ठहरे आम आदमी, आम साला चूस के फेंकने के काम आता है। 6 घंटे की नींद मान लो और क्या, पूरी है ना। 2 घंटे लगते हैं टॉयलेट बाथरूम खाना पीना नहाना दोनों, 2 घंटे पूरे हैं। अगर 2 घंटे से ज्यादा टॉयलेट में लग रहे हैं ना तो पेट खराब है, डॉक्टर से इलाज कराओ या S5 बायोइज खाओ। यस या नो? तो 6 और 2, 8 घंटे हो गए इस शरीर की सर्विस के लिए, सही है? अब बताओ कर्म करने के लिए घंटे कितने बचे? 16। तो बताइए 16 घंटे मेहनत करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? यहां पर मैं कॉमन चीज बता रहा हूं, अभी मैंने आरसीएम कुछ नहीं बताया, कॉमन। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं चाहे किसी भी फील्ड में, टाटा बाटा रिलायंस पांगड़ अंबानी धोनी मोदी सलमान, आरसीएम में जाऊं मुकेश कोठारी सुरेंद्र भट्ट सुजीत कुमार महावीर सर, आप किसी भी कामयाब आदमी की जीवनी उठाओ, उनकी जिंदगी के बारे में जानो, एक काम कॉमन है सब में, पता है क्या? उन्होंने जिंदगी में कुछ साल 15, 18, 20 घंटे रोज मेहनत करी है, एक बात कॉमन है। हां फील्ड अलग अलग हो सकता है लेकिन एक बात कॉमन है, उन्होंने जिंदगी में कुछ साल 15, 18, 20 घंटे रोज मेहनत करी है, उन्होंने कर्म को ही सब कुछ मान लिया। मैं एग्जांपल दूं, साला नरेंद्र मोदी की मां मर गई, मां कौन मर गई? मां मर गई मां। बंदा 3 घंटे बाद मीटिंग कर रहा था, साला बंदे में दम है, अपने मां मर जाए तो, अरे छोड़ो अपनी मां तो, गांव में भी मर जाए ना, साला 15 दिन गए, उस बंदे की मां मर गई, बंदा 3 घंटे बाद मीटिंग कर रहा था। विराट कोहली साला कहीं खेल रहा था, पीछे से बाप मर गया, बाप दुनिया उछड़ गई, फोन गया कि बेटा बापू मर गया, आजा अग्नि देनी है। वो गुरुजी के पास गया अपने कि गुरुजी बापू मर गए, जाना पड़ेगा। गुरु गुरु था, गुरु घंटाल नहीं था, गुरु गुरु था। उसने कहा बेटा एक बात बता, बापू जिंदा है मर गए? उसने कहा सर मर गए। बोले बेटा तेरा बापू जिंदा होता ना मैं तुरंत तेरे को भेज देता, बोलता अच्छे डॉक्टर से इलाज करा, सेवा कर, बात कर, पर बेटा बापू तो मर गया, अब तो मिट्टी है, तू कल देगा तो भी अग्नि है और परसों देगा तो भी अग्नि है, कल तेरे कैरियर का सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, मैं गुरु के नाते चाहता हूं तो कल मैच खेल, बापू को बर्फ में लगा दे, परसों जाके अग्नि दे देना, तू मैच खेल। और विराट कोहली वो मैच खेला था, उस दिन शतक मारा था, वहां से विराट कोहली का जन्म हुआ था, पता है? हेलो, अपने सब बनना चाहते हैं गेम चेंजर, किसी से पूछो मैं गेम चेंजर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, और घर से 2 किलोमीटर दूरी पे मीटिंग है, मीटिंग में नहीं है। साहब कामयाबी मेहनत कितने घंटे रोज? 15, 18, 20 घंटे रोज। ये 20 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, नई शादी, मैंने पूछा कितनी रात बस ट्रेन में गुजारते हो? बोले सर 20-25 रातें बस ट्रेन में गुजारता हूं साहब। साहब इसलिए आज 1.5-2 लाख कमाता है, आने वाले टाइम में 1.5-2 करोड़ कमाएगा भैया, क्योंकि मेहनत करता है साहब। हेलो साहब, दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं इतना ही करते हैं साहब, और दुनिया में जितने असफल लोग हैं ना, आप जैसे मेरे जैसे आम आदमी, आम चूस के फेंकने के काम आता है। पता है आम आदमी काम कितना करता है? आम आदमी काम करने का नाटक करता है 8 से 12 घंटे। नाटक कितने घंटे करता है? 8 से 12 घंटे। हकीकत में काम करता है 4 से 5 घंटे, नाटक करता है इतना, और ये कर्म करता है इतने। इनको कोई कर्म के लिए बोलता नहीं है, आगे बढ़कर जिम्मेदारी देते हैं, इनको बोल बोल के कराया जाता है। हेलो, अब बताओ कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा? ये या ये? अगर इस पे भरोसा नहीं हो थोड़ा तोड़ के बता देता, यहां पे पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 10वीं, 12वीं, 15वीं, 18वीं क्लास, हाथ खड़ा करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं, इनका कर्म क्या है?
बताइए इनका कर्म क्या है? पढ़ाई करना है, माँ बाप के काम में टांग फंसाना, पढ़ाई करना है, बीजेपी कांग्रेस में टांग फंसाना, पढ़ाई करना है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में टांग फंसाना, पढ़ाई करना ना। झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा, मारूंगा। लड़कियों को तो विशेष तौर से, बेटू झूठ बोलेगा पाप लगेगा, मारूंगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कल पढ़ाई कितने घंटे करी? झूठ बोलेगा तो मारूंगा। इधर देख के बोल, कल पढ़ाई कितने घंटे करी? कितना? 3 घंटे। मैंने तो 4-5 ज्यादा लिख दिया रे, कम करना। ए बाबू झूठ बोलेगा पाप लगेगा, मारूंगा। मेरी उम्र 40 है कई सालों से। कल पढ़ाई कितने घंटे करी? 3 घंटे। मैंने 4-5 लिख दिया। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। मेरा भारत महान। अगर मैं इन बच्चों से पूछूं ना, कल पढ़ाई क्यों नहीं करी, ये 20-30 बहाने बताएंगे। कल भैंस बीमार थी, कल नानी की पूंछ में दर्द था, कल नाना बच्चा दे रहा था, कल बीजेपी की रैली थी, कल कांग्रेस का रैला था, टीचर ने होमवर्क नहीं दिया, एग्जाम अभी दूर है, सरकार ने वैकेंसी नहीं खोली, सिलेबस अभी आया नहीं है। साला लंबे चौड़े बहाने। अब एक बात बताऊं, बहाना और कामयाबी भी कभी एक साथ रहते हैं? या तो जिंदगी में बहाना मिलेगा या कामयाबी भी मिलेगी, दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेगी। मैं इनसे पूछ रहा हूं, कल नानी बच्चा दे रही थी, ये वहां पे क्या कर रही थी? कल बीजेपी वाले रैला कर रहे थे, ये वहां पे क्या कर रहे थे? कल भैंस की पूंछ में दर्द था, ये क्या कर रहा था वहां पे? आम आदमी को देखो, आम आदमी साला जा रहा है, 2 कुत्ते लड़ रहे हैं। कौन लड़ रहे हैं? और ऐसे वीडियो बनाएगा, कुत्ते लड़ रहे हैं, ये वीडियो बना के फेसबुक पे अपलोड कर रहा है। मेरा भारत महान। हेलो, बताइए, अब बताइए, इस लड़की की किस्मत खराब है, किसी खोपड़ी खराब है? बात इसकी नहीं है, माफी चाहूंगा सबकी है, पर पता है इन बच्चों का कितना कसूर है? इन बच्चों की गलती है मात्र 20%। 20% गलती है, अरे तो गिल्ली मिट्टी है बेचारी। ये तो छोटे नादान बच्चे। कल इस बच्चे ने 14 घंटे बर्बाद किए, कहां पे? मोबाइल में, टीवी में, अखबार में, बीजेपी कांग्रेस में, हिंदू मुस्लिम में, सास बहू की बुराई में, टीवी में, नाटक में, क्या मिला? अच्छा कहां से सीखा इन्होंने? भगवान से सीखा है क्या ये? इन्होंने अपनी मां को देखा, साला इनकी मां 15 सालों से सास बहू की बुराई करती है, इनके बापू 15 साल से मोबाइल में बैठे हैं। तो बताओ, गधे का बच्चा गधा होता है बिल्ला? बिल्ले का बच्चा बिल्ला होता है गाय? गाय का बच्चा गाय होता है भिंडी? अगर मैं गधा हूं तो औलाद गधा होगा, शेर होगा? तो बस मेरा भारत महान। कहां से सीखा इन बच्चों ने? माँ बाप से। तो बताइए, चलो जी, ये तो नादान बच्चे हैं बेचारे, आगे चल के सुधर जाएंगे। ताली बजा दो एक बार इनके लिए। मैं यही सवाल इन बहनों से पूछूं, यहां पे हाउसवाइफ कितनी? हाउसवाइफ जो बाहर जाके नौकरी दुकानदारी नहीं करती, ओनली घर पे चूल्हा चौका रोटी सब्जी। हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। और बाप रे, ताली बजाओ इस बहन के लिए, बहुत काम करती है, शाबाश। अच्छा ये बहन बुरा नहीं मानना, एक बात बता, ये बिचरे बहने है ना, ये मेरी, ये बेचारी बहुत काम करती है। ये सुबह ना 4-5 बजे उठ के लगती है, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी रोटी, कभी सब्जी, कभी पति की सेवा, कभी बच्चे की सेवा, कभी पड़ोसियों की सेवा, कभी माँ बाप की सेवा। यस या नो? यस या नो बहन? एक बात बता बहन, जिस दिन तुझे माइक के जाना होता है, जिस दिन तुझे पीहर जाना होता है, तू सारा काम 3 घंटे में निपटा देती है, नहीं निपटा देती? हेलो, इसका मतलब क्या है? सारा काम तो 3 घंटे का ही, पर माइक के जाना है साल में 2-3 बार। अब 360 दिन का ही नहीं जाना। जिस दिन माइक के जाना होता है ना, उस दिन फोन बंद, टीवी बंद, मोबाइल बंद, गप्पे हांकना बंद, सास बहू की बुराई बंद, भाप भाप के काम करती है और टाइम पे ट्रेन बस फ्लाइट पकड़ लेती है। हिंदुस्तान में आज तक माइके वाली ट्रेन किसी की नहीं छूटी। किसी की छूटी है क्या? बताइए, छूटी है क्या? क्यों?
टाइम की पंक्चुअल होती है, अनुशासन, जल्दी। साला रात को नींद ही नहीं आती, इसको मायके जाना है। हेलो, अब मायके जाना है तीन बार, 360 दिन कहीं नहीं जाना। अब 360 दिन पता है क्या करती है, थोड़ा सा काम करेगी, पड़ोसियों को जाके बोलेगी मेरी सास खराब है, थोड़ा सा काम करेगी, पड़ोसियों को जाके बोलेगी मेरा पति खराब है, थोड़ा सा काम करेगी मेरी किस्मत खराब है, थोड़ा सा काम करेगी मोबाइल, थोड़ा सा काम करेगी टीवी। आप बताओ इसकी सास खराब है किसकी खोपड़ी खराब है? एक बात बता, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बच्चा है, इसकी बुराई करने से क्या मिलेगा? अगर बहन हिम्मत है ना, अगर हिम्मत है तो तलाक ले लो, मैं वकील हूं, चलो करवा देता हूं। पर एक बात बता बहन, गारंटी है क्या दूसरा अच्छा पीस मिलेगा? अरे हिंदुस्तान में अच्छे पीस है ही नहीं, तो मिलेगा कहां से? साला पीस ही 10% है, 90% तो डिफेक्टिव माल है, तो कहां से मिलेगा बहन? इसलिए बहन जो है उसी में काम चलाओ, अपने आप को सुधार कर लो। ये किस्मत का रोना रोने से और पति की, सास की, मां बाप की बुराई करने से कुछ नहीं होने वाला है। हेलो, अगर अभिषेक बच्चन चाहते हो तो पहले ऐश्वर्य राय बनना पड़ेगा, वरना मेरे जैसा निकम्मा ही मिलेगा। यस या नो भाई, यस या नो? अच्छा चलो जी, इसको बहन बोला है बेचारी बुरा नहीं मानेगी, यही सवाल मैं आपसे पूछ जो 90-90 किलो के बैठे हो। कल आपने कर्म कितना किया, कल कर्म कितना किया? यहां पे जितने भी नौकर है, चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, आप रोज 8 घंटे ड्यूटी देते हो, यस या नो? अगर सरकार या मालिक आदेश निकाल दे कि पिछले महीने में जितना काम किया उतना दिन रात करके निपटा दो बाकी छुट्टी, तो महीने वाला कितने दिन में निपटा दोगे? 5 दिन में। तनख्वाह लेते हो 30 दिन की और साला काम करते हो 5 दिन, मेरा भारत महान। आप बताओ, इस सोच के लोग रहेंगे तो हिंदुस्तान का विकास होगा, हिंदुस्तान का भट्टा बैठेगा, कहां से विकास होगा? साला निकम्मे लोग रहते हैं, काम करते हैं 5 दिन, तनख्वाह लेते हैं 30 दिन की, हिंदुस्तान का भट्टा बैठेगा। हिंदुस्तान का विकास कब होगा पता है? जब हम तनख्वाह लेंगे 8 घंटे की और हम कर्म करेंगे 10 घंटे, उस दिन हिंदुस्तान। जब तक ये हमारे खून में रहेगा ना, फोकट की खाने की, फोकट में खाने की, तब तक कभी भी हम अमीर नहीं बनेंगे। अगर अमीर बनना है तो मेहनत, आगे बढ़ के जिम्मेदारी। अब बताओ कितने लोग अमीर बनना चाहते हो? समझ में आया आज से कर्म कितने घंटे? दोस्त मैंने सुना है 84 लाख बार जीवन जीने के बाद 1 बार मनुष्य शरीर मिलता है। मैंने सुना है इंसान तूफान से टकरा सकता है, चट्टान से टकरा सकता है, आग से टकरा सकता है, इंसान अगर ठान ले कुत्ते से घटिया काम कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम भी कर सकता है। परमात्मा से बढ़िया वाला ठीक है, कुत्ते से घटिया करने से क्या मिलता है? ये दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट, माँ बाप की बुराई, पति पत्नी की बुराई, दिन में सोना, मोबाइल से खेलना, टीवी देखना, फालतू किसी से नाराज होके गुस्सा होके बैठना, इससे क्या मिलेगा बताइए साहब? कल इस बच्चे ने 4 घंटे मोबाइल देखा, क्या मिला? कल इस बच्चे ने 4 घंटे टीवी देखा, क्या मिला? कल इस बहन ने 2 घंटे पति की और माँ बाप की बुराई करी, क्या मिला? कल उस भाई ने 2 घंटे किस्मत का रोना रोना, क्या मिला? क्या मिलने वाला है इससे? तो ये गंदे काम बंद क्यों नहीं करते? ये 20 साल पहले समझ में आया था, इन गंदे कामों को करने से कुछ नहीं मिलेगा, बढ़िया संस्कारों के साथ मेहनत करने से बहुत कुछ मिल सकता है। हेलो, जिंदगी में 5-10 साल कड़ी मेहनत। मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है ना, उसके पेट में 9 महीने बच्चा रहता है, कभी आप और मां की कोख में रह नहीं रहे। और मैंने यह भी सुना है जब किसी भी औरत के कोख में जब बच्चा होता है तो वो 9 महीने का टाइम बड़ा रो रो के निकालती है। एक बात बताओ, कभी ये 9 महीने दर्द आपके और मेरी मां को हुआ नहीं हो सकता? मैंने सुना है जैसे बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाता है ना, बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है, और जब बच्चा अंदर घूमता है ना
तो एक मां को दिन में 10-10-20-20 बार दर्द होता है। कभी यह दर्द आपके और मेरी मां के भी हुआ था। अपनी मां उस टाइम बोल सकती थी ना कि इस कचरे को निकाल के फेंक दो, मेरे से दर्द सहन नहीं होता। लेकिन दोस्त अपनी मां नहीं बोली, वो बेचारी एकांत में गई, पेट पे हाथ रखे एक सपना देखा कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूं। उसको नहीं पता था लड़का होगा कि लड़की होगी, दोनों में दर्द सेम था। उसने एक ही सपना देखा, आज मैं दर्द सहन कर रही हूं, कल को मेरा बच्चा दुनिया में आएगा, मेरा बच्चा मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, कामयाब होगा, एक दिन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, मुझे कार में जहाज में घुमाएगा। ये सपने आपके और मेरी मां ने देखे नहीं देखे? क्या वो सपने पूरे कर पाए? नहीं कर पाई तो आज जरूर सोचना कि क्यों नहीं कर पाया। क्योंकि हम निकम्मे हैं, क्योंकि हम कामचोर हैं, क्योंकि हम बहानेबाज हैं। सोच के देखिए, एक बच्चा जब छोटा होता है ना, सर्दी की रात में 3 बजे सुसुपोटी कर देता है, मां बच्चे को गीले पर से सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सोई रहती है। हम अपनी मां को घर से निकाल देते हैं और साला कोई मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हैं, हे देवी मां बलि करना। साला जो टट्टी मुंह धोया था उसको तो घर से निकाल रहे हैं, अब वो देवी मां क्या भला करेगी अपना? जब एक मां बच्चे को जन्म देती है ना साहब, 57 डेसिमल का दर्द होता है साहब। एक औरत की दर्द की सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है मेरे भाई। आपकी थोड़ी सी उंगली कट जाए ना, डॉक्टर बोलेगा टंका लगाना है, आप डॉक्टर को बोलते हो पहले नशे का इंजेक्शन लगा। साला 5 डेसिमल का दर्द है और 25-25 साल के जवान नशे का इंजेक्शन मांग लेते हैं। अरे अपनी मां तो अनपढ़ दुबली पतली रही होगी, साला 57 डेसिमल का दर्द सहन कर गई अपने लिए। उसने तो ट्रेनिंग अटेंड नहीं करी थी फिर भी कर गई। पता है हंसते हंसते क्यों कर गई? इस उम्मीद के साथ कि मैं आज इस बच्चे को जन्म दे रही हूं ना, ये बच्चा मेरी जिंदगी में मेरे अरमानों को पूरा करेगा। और हम साला उसको घर से निकाल देते हैं, उसको 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं भैया, गली में जाके मैं काय की मैं। दोस्त मां बाप अनपढ़ होते हैं फिर भी बच्चे को पढ़ाते हैं, मां बाप घटिया खाना खाते हैं बच्चे को बढ़िया और ताजा खाना खिलाते हैं। अगर एक बच्चा बीमार हो जाए ना, मां बाप पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, पलक तक नहीं झपकते हैं। दोस्त बताइए, ये काम हमारे मां बाप ने किए नहीं किए? मैं एक सवाल पूछने आया हूं, आज तक हमने मां बाप के लिए क्या किया? अरे दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं, टाटा बाटा रिलायंस भांगड़ अंबानी धोनी मोदी सलमान, आरसी में जाऊं तो मुकेश कोठारी सुरेंद्र वत्स महावीर सार राधाराम सार मंजीत कुमार सुजीत कुमार, दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे हैं। उतना ही दर्द उनके मां बाप ने सहन किया था, उतना ही दर्द हमारे मां बाप ने सहन किया है, उतना ही संघर्ष उनके मां बाप ने किया था, उतना ही संघर्ष हमारे मां बाप ने किया है, उतना ही प्रयास उनके मां बाप ने किया था, उतना ही प्रयास हमारे मां बाप ने किया है। जब वो बच्चे अपने मां बाप को इतने बड़े बड़े रिगार्ड और रिवार्ड दिला सकते हैं, हम अपने मां बाप को रिगार्ड और रिवार्ड क्यों नहीं दिला सकते? कल इस बच्चे ने 12 घंटे बर्बाद किए मोबाइल टीवी में, बीजेपी कांग्रेस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई करने से, बताइए क्या मिला इसको? बोलिए क्या मिला, क्या मिला? अच्छा आपने बर्बाद किया, आपको क्या मिला? जय नारायण, पिछले 21 साल से मेहनत करता साला मर थोड़ा ही गया, मर गया क्या? जिंदा है साला। वो जो बीड़ी पी रहा साला मुर्दा, वो जो मां बाप की बुराई कर रहा है, दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ रहा मुर्दा है, वो जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे की बुराई कर रहा साला मुर्दा है।